इस तरीके से सड़क पे खींचा गया और आप देख सकते हैं ये बुलडोजर जो है ना, अगर इन लोगों को अपने बुलडोजर पे घमंड है तो इस जनता का आंसू देख करके ये सरकार कभी भी सफल नहीं हो सकती जिसने भारत का झंडा लगा है, हमारा तिरंगा लगा था, बुलडोजर ने उस घर पे रहम नहीं खाया। क्या कोई अधिकारी था? जरूर है, उनकी भी माँ है, बहने हैं, बेटियाँ हैं। किसे खींचा गया? इंडियन का आज खींच ले गए। कौन किसने खींचा था? इंडियन लेडीज पुलिस ने खींचा, वालों ने खींचो। आप कौन सा इज्जत रख रहे हो जो जनपद कन्नौज मुख्यालय के नसरापुर में जमीनी विवाद में पुलिस का भय दिखाकर बुलडोजर की कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया। सपा नेत्री शशिमा सिंह दोहरे ने बताया कि मकान मालिक और किरायेदार के विवाद में बिना कोर्ट की अनुमति के पुलिस ने महिलाओं को बाहर निकालकर सराय मीरा चौकी प्रभारी पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा की गई कार्रवाई दलित उत्पीड़न को दर्शाती है। आगे उन्होंने बताया कि पुलिस की अन्यायपूर्ण कार्रवाई के मामले को आलाकमान तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। वहीं नगर क्षेत्र अधिकारी कमलेश कुमार ने उक्त कार्रवाई पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सिंहपुर थाना तिरवा जनपद कन्नौज निवासी महेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र रामरतन गुप्ता द्वारा नसरापुर स्थित अपनी निजी भूमि पर निर्मित दुकानों को तोड़ा गया, जिसमें विपक्षी गणों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था। मौके पर विवाद होने की सूचना पर पुलिस पहुंची और शांति व्यवस्था हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। R9 भारत के लिए कन्नौज से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। भैया पहले इन्हें हम पर 5 लाख रुपया ले। किसने? इन्हें गुप्ता ने। एक और नाम गुप्ता, ये तो गुप्ता को जा हमें जो नहीं मालूम की काना जो तिरवा को है। अच्छा, अब इन्हें कहे कि भैया तुम अपना बनावो, हम तुम्हारी लिखा पड़ी की गई बात ही नहीं है। तो हमें इन्हें दिला था तो हमने जो इज्जत 11 लाख रुपया ईमान लगाई हुए मैया बना डेढ़ महीना बनती रहो कि भाई पहले और लगाई सकते तो कि नहीं कि काहे बनवाओ तुमने, हमने जब हमारा तुम्हारो आई नहीं तो तुमने काहे बनवाओ और लगाई सकते तो कि नहीं। अब इन्हें हमें दिला था देखे हमने मकान बना के तैयार करो तो महीने गिरवाई दो आके। आज क्या हुआ मकान? आज सवेरे फेरे महीने बैठे थे रात में, रात में लोग देख सकते हैं ये कन्नौज सदर विधानसभा के क्षेत्र में नसरापुर ऑन रोड की बात है। बेहद गरीब दलित परिवार है जिसके साथ पहले तो अन्याय हुआ, उनके बच्चों को कल उठाया गया और उनके डॉक्यूमेंट्स तक यहाँ पे गायब कर दिए गए परिवार का आरोप है। और उसके बाद आंखों सामने उनकी बेटियों को, उनकी माँ को इस तरीके से खींचा गया, इस तरीके से सड़क पे खींचा गया और आप देख सकते हैं ये बुलडोजर जो है ना, अगर इन लोगों को अपने बुलडोजर पे घमंड है तो इस जनता का आंसू देख करके ये सरकार कभी भी सफल नहीं हो सकती, कभी भी सशक्त भारत नहीं बना सकती। आपने देखा होगा जिसमें भारत का झंडा लगा है, हमारा तिरंगा लगा था, बुलडोजर ने उस घर पे रहम नहीं खाया। क्या कोई अधिकारी था मौके पे? क्या कोई अधिकारी मौके पे था? कोई अधिकारी मौके पे नहीं था, पुलिस प्रशासन थे। जिस तरीके से परिवार को परेशान किया गया था, जीते हुए हैं हम ये कभी नहीं भूलेंगे, इसका जवाब जरूर देंगे। आज कोतवाली कन्नौज में नसरापुर क्षेत्र का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जो है कुछ दुकानों को तोड़ा जा रहा है। उप प्रकरण में जांच पश्चात ये पाया गया है कि एक महेंद्र गुप्ता जो तिरवा के रहने वाले हैं, ये नसरापुर में उनकी भूमि है जिसपे कुछ दुकानें बनी हुई थी, जिसको इनके द्वारा ही तोड़ा जा रहा था, जिसमें कुछ विपक्षी लोग जो है व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। इस पे 112 पे पुलिस को सूचना दी गई, तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची, थाने की फोर्स पहुंची और इसमें लड़ाई झगड़े की सूचना पे पुलिस पहुंची थी। इसमें तुरंत जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई, आगे जांच की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है।